नवीन सूदन प्रांत संयोजक जम्मू कश्मीर बजरंग दल। पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया में, न्यूज़ चैनलों में जो खबर आ रही है कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन का बोर्ड का पैसा वहां के सीईओ रमेश जी द्वारा इफ्तार पार्टियों में खर्च किया जा रहा है। बजरंग दल इसका कड़ा विरोध करता है। ये पैसा किसी के बाप का पैसा नहीं है, ये पैसा हिंदुओं के उत्थान के लिए खर्च होना चाहिए, ये पैसा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा के लिए खर्च होना चाहिए, ये हमारे मठ मंदिरों के रखरखाव के लिए खर्च होना चाहिए, ये हिंदुओं की यात्राओं के लिए खर्च होना चाहिए। अगर कोई भी ऐसे इस पैसे का दुरुपयोग करेगा तो आने वाले समय में बजरंग दल इसका विरोध करेगा। ठीक है, लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन लॉकडाउन का पालन करते हुए अगर इस पैसे का दुरुपयोग हुआ है तो वहाँ के सीईओ रमेश जी को इस पर माफ़ी मांगनी चाहिए अगर ऐसा कुछ हुआ है, नहीं तो बजरंग दल लॉकडाउन का पालन करते हुए भी हर मोहल्ले में, हर गांव में, हर शहर में, और अगर वो इस पे माफी नहीं मांगते हैं, पूरे देश में बजरंग दल इसका आंदोलन करेगा।